नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है यूट्यूब पे, और 5 साल में मैंने बहुत सारे चैनल्स को ग्रो किया है, बहुत सारे चैनल्स पर काम किया है, यानी कि टोटली मेरे को इसका अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। तो आज की वीडियो में एक तो ये बताने वाला हूँ कि आप अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रही हो तो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इससे इनकम होती है। साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको अपना इनकम प्रूफ दिखाता हूँ कि मेरे चैनल्स के थ्रू हमें इस महीने कितना पैसा मिला है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम इस महीने जितनी भी कमाई करते हैं उसका पेमेंट अगले महीने की 22-23 तारीख को हमें मिलता है। तो मेरे को YouTube का पेमेंट मिल चुका, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं कि मार्च के महीने में हमें टोटल कितनी इनकम की जो हमें अप्रैल में मिली है, जिसके बाद हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप लोग भी YouTube चैनल स्टार्ट करोगे, कैसे वीडियोज बनाओगे और कैसे आप इनकम करोगे। पहले दोस्तों आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि जो लोग YouTube पर वीडियो बनाते हैं वो बहुत तरीके से पैसे कमाते हैं। पहला तरीका होता है कि आपने वीडियो में देखा होगा कि वीडियोज में विज्ञापन आते हैं, बीच बीच में वीडियो में आ जाते हैं, वीडियो आप ऑन करते हो जब भी विज्ञापन आ जाते हैं तो उस विज्ञापन का पैसा भी हमें ही मिलता है। हम जैसे वीडियो क्रिएटर होते हैं जो वीडियो बनाते हैं उन लोगों को मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो बनाते देखे होंगे जो किसी प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को सलाह देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं जब उस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताते हैं तो उसके बाद बोल देते हैं अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट का लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो इसके पीछे का रीजन ये होता है, वो उनका एफिलिएट लिंक होता है। जैसे मैं भी बहुत बार बोलता हूँ कि आपको ये चीज़ खरीदनी है तो मेरे लिंक के थ्रू खरीद लो। जब आप लोग हमारे लिंक के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट खरीदते तो 10-15% कमीशन कंपनी की तरफ से हमें दिया जाता है। आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदोगे तो 150 रुपए कंपनी की तरफ से हमें दिए जाएंगे। ऐसे जाने कितनी सेल होती है, कितने लोग खरीदते हैं, जाने कितनी इनकम हम उससे भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां अपने एप्लीकेशंस के रिव्यू हमसे कराते हैं तो हम उन कंपनियों से पैसे लेते हैं। बहुत सारे कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनवा के हमारे चैनल पर डलवाते हैं तो उनसे भी हम पैसे लेते हैं। तो बहुत जगह से कमाई होती है। बहुत बार हम अपनी सर्विस को सेल कर देते हैं, अपने कोर्सेज बना के सेल कर देते हैं, तो इन चीजों से भी हमारी इनकम होती है। तो यूट्यूबर की इनकम को आंकना कोई आसान बात नहीं है। मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ वो इनकम बताने वाला हूँ जो YouTube से हमें डायरेक्ट दी जाती है। YouTube से डायरेक्ट मिलने वाली इनकम वो इनकम होती है जो विज्ञापन के माध्यम से इनकम होती है, यानी कि वीडियो में जितनी भी ऐड चलती हैं वो पैसा YouTube की तरफ से डायरेक्ट हमें मिलता है। बाकी की जो इनकम है, हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सर्विस को सेल करते हैं, किसी कंपनी का प्रमोशन करते हैं, किसी के प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, किसी एप्लीकेशन का प्रमोशन करते हैं, वो इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट इनकम की, और इनडायरेक्ट इनकम की भी मैं बताऊंगा कि उससे भी हमारी कितनी इनकम हुई है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे 3 YouTube चैनल हैं। सबसे पहला है बी मेक रीसेलर। थोड़ा सा मैं साइड में हो जाऊं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बी मेक रीसेलर से हमारी मार्च के महीने में इनकम हुई है 367 USD की। दोस्तों जैसा कि पता होगा यूट्यूब विदेश की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, तो डॉलर में पेमेंट करती है और इंडिया में आके वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होती है। तो अगर 367 USD डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 27,525 रुपये हमारे बी मेक रीसेलर यूट्यूब चैनल से इनकम हुई है। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल है बिजनेस मेकर नाम से, जिससे हमारी इनकम हुई है 63.12 USD डॉलर की। अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 4,734 रुपये की इनकम हुई है। और तीसरा है जिस पर अभी आप वीडियो देख रहे हो, रोहित शर्मा यूट्यूबर, इससे जो इनकम हुई है इधर आप देख भी सकते हैं 15.59 USD डॉलर की। अगर इसे भी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 1,167 रुपये की इससे भी इनकम हुई है। अगर इन सभी चैनल्स की टोटल इनकम की बात करें तो हमारी टोटल इनकम हुई है 33,429 रुपये। ये डायरेक्ट इनकम है 33,429 रुपये। अब भाई बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम की। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये विज्ञापन के थ्रू YouTube ने हमें पेमेंट दिया हुआ है। इसके अलावा जो मैं प्रमोशन के चार्ज लेता हूँ वो बी मेक रीसेलर चैनल पर 7,000 रुपये लेता हूँ, बिजनेस मेकर चैनल पर 5,000 रुपये लेता हूँ, और रोहित शर्मा यूट्यूबर पर मैं प्रमोशन कभी करता ही नहीं हूँ। तो इस तरीके से मैं
एक महीने में एक चैनल पर 4 प्रमोशन लेता हूं, जो मेरा बीमेक रीसेलर है उससे मेरी प्रमोशन से जो इनकम होती है 28,000 रुपए की होती है, और जो बिजनेस मेकर है उससे मेरी जो प्रमोशन से इनकम होती है वो 20,000 रुपए होती है। तो 28,000 वो और 20,000 ये, लगभग 40,000 से 50,000 के बीच हम प्रमोशन से कमा लेते हैं, और कुछ एफिलिएट से हम कमा लेते हैं, कुछ रेफरल से भी कमा लेते हैं। यानी कि टोटल बात करें इनकम की तो 70, 80, 90 के बीच रहती है। इन तीन डिजिट के अंदर हमारी इनकम रहती है, कभी 70, कभी 72, कभी 75, कभी 78, कभी 80, और कभी ऊपर जाती है 88, 90 पे भी पहुंच जाती है बहुत बार। तो ये तो बात रही मेरी इनकम की, यानी कि मैं घर पे बैठे बैठे 80,000-90,000 रुपए कमाता हूँ, कहीं जा नहीं रहा, उसके बाद मेरी इनकम हो रही है। डेली 10-20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और उसके बाद मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ। अब भाई बात करते हैं कि आप लोग कितना पैसा कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जब से ये डिजिटली चीज़ें आई हैं, जब से जियो आया है, जब से इंटरनेट की ग्रोथ, इंटरनेट का कंजम्पशन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हुआ है, और जब ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है इसका मतलब है ज़्यादा लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, और मोस्टली देखा गया है कि इंटरनेट को जो यूज किया जा रहा है यूट्यूब चलाने में यूज किया जा रहा है। तो यूट्यूब चलाने में लोग तो यूज कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसी जगह ऐसे हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, और उससे अच्छा खासा USD यानी कि डॉलर्स में पैसा कमा भी रहे हैं। आप लोग भी अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना एक चैनल बनाना होगा, चैनल बनाने के बाद आपको वीडियोज बनानी होंगी, वीडियोज बनाने के बाद वीडियो डालनी होंगी, वीडियो डालने के बाद आपको अपने चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉचिंग टाइम कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपके चैनल से भी इनकम होना शुरू हो जाएगी। तो वैसे तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप स्टार्ट करिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले चैनल बनाइए, चैनल बनाना नहीं आता तो यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, उसके बाद वीडियो बनाना सीखिए। वीडियो बनाना भी नहीं आता तो यूट्यूब पर सर्च करिए कि मोबाइल फोन से वीडियो कैसे रिकॉर्ड करें, उसके बाद आपको वीडियो अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद लगातार अपलोड करते चलोगे तो आपकी वीडियोज को लोग देखेंगे। उसके बाद जब आपके 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉचिंग टाइम हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा YouTube की तरफ से कि आपका चैनल अब विज्ञापन दिखाने के लायक हो चुका है। अगर आप विज्ञापन दिखाना चाहती हैं तो क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको अपनी बैंक डिटेल वगैरह सबमिट करनी होगी, और उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, और जितनी भी वीडियो आप डालोगे बस आपको मोनेटाइज करनी है। मोनेटाइज करने के बाद आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में 21 तारीख को YouTube की तरफ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी का इस सिस्टम को जब आप करोगे, जब अच्छे से समझोगे कैसे ऐड करते हैं बैंक डिटेल, उसके बाद पोस्ट के थ्रू कोड वेरिफिकेशन आता है जो कि एड्रेस वेरीफाई करने के लिए होता है, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।